हम बात कर रहे थे बजट ब्रह्मास्त्र की और हर वर्ग को इस पर पूरी उम्मीद है और हमारे सहयोगी पूनम भी लगातार बनी हुई है हमारे साथ और वो भी आपको पल पल की जानकारी देगी। पूनम देखिए, हर वर्ग को यहाँ पर पूरी उम्मीद है और हर वर्ग टकटकी लगाए बैठा है कि उसके लिए इस बजट में क्या कुछ खास रहेगा। ओवर टू यू पूनम। बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में बजट ब्रह्मास्त्र। आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज की महा कवरेज लगातार जारी है और आज चर्चा इसी बात को लेकर होगी क्योंकि राजस्थान के लोग जानना चाहते हैं कि आज बजट में क्या कुछ खास होगा। तो फर्स्ट इंडिया न्यूज पर चर्चा जारी है। मेरे साथ मेरे खास सहयोगी बने हुए हैं, निर्मल तिवारी जी हैं, एसोसिएट एडिटर हैं, और पंकज सोनी जी एसोसिएट एडिटर हैं, और वरिष्ठ संवाददाता विकास शर्मा जी हैं, वरिष्ठ संवाददाता विनोद सिंह चौहान जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इन्हीं से ही चर्चा की शुरुआत करते हैं। निर्मल जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी क्योंकि हम कल से ही इस पर चर्चा कर रहे हैं। उम्मीद बहुत ज्यादा है लेकिन फिर भी चार जातियां, बार बार हम इसी का जिक्र कर रहे हैं जो कि प्रधानमंत्री ने गिना दी, और ऐसे में जब डबल इंजन की सरकार है तो फोकस उन चार जातियों का राजस्थान में भी रहेगा और आने वाले समय में आम चुनाव भी है, तो मानकर चले लोकसभा मिशन मोड। बिल्कुल पूनम, सबसे पहले तो आपको सुप्रभात, और देखिए आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि आप भी बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक महिला के नाते कि इस बजट में महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ देखने को मिले। लेकिन हम बजट को लेकर शुरुआत करें उसमें सबसे पहले बता दूं कि आज जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है उन्होंने 5 दिसंबर को जो पहली बैठक ली थी ब्यूरोक्रेसी की तो उसमें साफ तौर पर 100 दिवसीय कार्य योजना बनाने की बात कही थी। उसके आज 45 दिन पूरे हो चुके हैं। तो बजट जब आज लेखानुदान पेश किया जाएगा तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी सबसे पहले 100 दिवसीय कार्य योजना में जो उपलब्धियां 45 दिन में हासिल की है उसी के ऊपर ज़्यादा चर्चा करेंगे क्योंकि लेखानुदान में वैसे भी बहुत ज़्यादा कुछ घोषणाओं की उम्मीद करना बेमानी होगा। अब देखिए इसमें क्या घोषणाएं हो सकती हैं उसको लेकर, जैसा आपने भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चार जातियां बताई थी, गरीब, युवा, किसान और महिला, तो निश्चित तौर पर इन चारों को लेकर के इस बजट के अंदर, इस लेखानुदान के अंदर कुछ अहम घोषणाएं की जा सकती हैं और वो घोषणाएं इस रूप में होंगी कि इनको किस तरह से सशक्त किया जाए, इनको किस तरह से सरकार अपनी तरफ से संबल दे, क्योंकि लगातार भजनलाल शर्मा इस बात को कहते रहे कि जो हमने वादे किए हैं, जो हमारा संकल्प पत्र है उसको इस बजट के अंदर कहीं ना कहीं समाहित करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि मार्जिन बहुत कम है, समय बहुत कम था और चूंकि लेखानुदान है और खासकर 3 महीने के लिए यानी जो वित्त वर्ष 2024-25 की जो पहली तिमाही है उसके लिए लेखानुदान लिया गया है लोकसभा को देखते हो, तो निश्चित तौर पर ये चार जो जातियां बताई हैं इनको लेकर घोषणा हो सकती है जिसमें जैसा हमने पहले भी कहा महिलाओं के लिए अगर हम बात करें तो जैसे लाडो योजना की बात है उसको यहां लखपति दीदी की तर्ज पर उसको यहां पर उसका दायरा बढ़ा करके उसको शुरू किया जा सकता है। उसके अलावा महिलाओं से जुड़ी कुछ और खास योजनाएं भी हो सकती हैं। गरीबों की बात करें तो उनका कैसे आर्थिक उन्नयन करना है उसको लेकर के इसमें योजनाएं देखने को मिलेंगी। इसमें किसानों को लेकर जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अभी तक 22,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण दिया जाता था लेकिन इसका दायरा इसमें 30,000 करोड़ बढ़ाया जा सकता है जिससे 10 लाख नए किसान इस ब्याज मुक्त फसली ऋण से जुड़े, सूदखोरों से बचे, महाजन की शरण में उनको नहीं जाना पड़े। चौथी बात अगर हम सीधे तौर पर अगर कर्मचारियों को लेकर भी हम बात करें तो जैसा आंध्र प्रदेश की तर्ज पर एक हाइब्रिड मॉडल लाया जा सकता है जो एनपीएस और ओपीएस का एक हाइब्रिड मॉडल होगा, तो निश्चित तौर पर इसमें बहुत कुछ देखने। और विपक्ष अब तो आरोप भी लगा रहे कि कुछ योजनाओं को बंद करने जा रही है लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है कि कोई योजना बंद नहीं होगी और वैसे भी परंपरा रही है कोई योजना बंद होती नहीं है, आजकल दरअसल नाम बदल दिया जाता है। पंकज सोनी जी भी हमारे साथ हैं। पंकज जी, क्योंकि ये अंतरिम बजट है मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार का लेकिन अंतरिम बजट, पूर्ण बजट, बजट और लेखानुदान, आपसे इसके बारे में जानना चाहेंगे क्योंकि हम इसके लेखानुदान और ये अंतरिम बजट क्या फर्क होता है, कितना अंतर होता है, जनता भी जानना चाहेगी। क्या बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं होंगी या फिर इंतजार किया जाएगा इस बात का कि जब पूर्ण बजट आएगा तब जो आज जिक्र होगा तब उस वक्त उसका दायरा बढ़ाने की बात होगी। देखिए पूनम, अंतरिम बजट और जो लेखानुदान होता है उसको बहुत मोटे तौर से अगर हम समझना चाहें तो ये मान लीजिए कि अंतरिम बजट अगर कोई सरकार चुनाव में जा रही है, जैसे कि आपने केंद्र सरकार में देखा, तो वो जो बजट पेश करती है उसको अंतरिम बजट के तौर पर माना जाता है। लेकिन लेखानुदान जो राज्य सरकार या कोई और गवर्नमेंट पेश करती है तो उसको वो संभावनाओं पे आधारित होता है और जो विधानसभा से जो राज्य सरकार को चलाने का या शासन को चलाने का जो खर्च होता है उस पर मोटे तौर से मोहर लगवाई जाती है। और आने उसके अलावा लेखानुदान जो जैसे अब स्टेट गवर्नमेंट जो पेश करने वाली है ये इसलिए पेश हो रहा है क्योंकि अभी केंद्र का बजट आया नहीं है और केंद्र की जो करों में राज्यों की हिस्सेदारी होती है वो अभी तक पता नहीं है कि कितना केंद्र का जो टैक्स है या राज्य का जो हिस्सा है उस टैक्स में कितना मिलेगा या केंद्र किस तरह की योजनाओं को घोषित करेगा जो राज्य को। लेकिन अभी जो अंतरिम बजट केंद्र में पेश हुआ था तभी माना जा रहा था कि इससे फायदा जरूर होने वाला है।
देखिए अंतरिम बजट जो केंद्र ने पेश किया उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, केवल एक जो खर्चा जो था शासन चलाने के लिए उस पर मोहर लगाई गई। उसके अलावा जो योजनाएं पहले से चल रही थी केंद्र की उसका दायरा थोड़ा बढ़ाया गया, चाहे लखपति दीदी वाला मामला हो उसमें 2 करोड़ जगह 3 करोड़ को लाभान्वित करने का मामला है, प्रधानमंत्री जो गृह होते हैं जो मकान बनाए जाते हैं उसका दायरा बढ़ाने की बात है। मतलब कुल मिला के अंतरिम और लेखा अनुदान में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं माना जा सकता, लेकिन ये मानिए जो सरकार अभी आई है और पूरा बजट देने की स्थिति में नहीं होती है तो वो लेखा अनुदान पेश करके अपने जो शासन का खर्चा है उसके ऊपर सदन की मोहर लगवाती है मोटे तौर से, तो ये कह देता। अब बात अपन बजट की करते हैं जो आज लेखानुदान की, जो राज्य सरकार भजनलाल सरकार पहला लेखानुदान जो विधानसभा में पेश करने वाली है उस पर हम बात करते हैं। लेखानुदान जो पेश करने वाली है तो जिस तरह की लोगों को उम्मीदें हैं ये निश्चित रूप से सरकार ने जो अपना पहला जो संकल्प पत्र जारी किया था उसमें राज्यों को लेकर या जनता को लेकर काफ़ी उम्मीदें उसमें दी गई थी कि हम जो भी योजना है हम उसको लाएंगे, किसी योजना को बंद नहीं करेंगे। मुख्य गारंटी की बात कर लेते हैं, पेट्रोल डीजल वैट की बात कर लेते हैं। देखिए पेट्रोल डीजल की बात करने से पहले ये भी देखना होगा कि राज्य के खजाने की माली हालत क्या है। पिछले जो 5 साल का शासन गया उसमें जो राज्य के ऊपर कर्ज का जो भार है वो 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा बड़ा है, तो ऐसे में जिसे आप समझिए बहुत बड़ी जो जिसे आप रेवड़ियों का भी बीजेपी कई बार नाम देती है, प्रधानमंत्री मोदी खुद भी कह चुके हैं। लेकिन ये सब जनता शायद इतना टेक्निकल ना समझ पाए कि कितना यहाँ पर कर्जा देना है, कितना राजस्व है, अभी कितनी मांग है, ये सारी चीजें वो ये जानना चाहेगी कि अब जो पहली बार भजनलाल सरकार द्वारा बजट पेश किया जा रहा है उसमें क्या कुछ खास होगा। पंकज जी मैं आपसे चर्चा जारी रखूंगी, वरिष्ठ संवाददाता विकास शर्मा जी भी हमारे साथ है, क्योंकि एक और महत्वपूर्ण योजना जो पिछले सरकार कार्यकाल की थी विकास जी, चिरंजीवी योजना, आयुष्मान भारत, ये एक बार फिर से बार बार कहा जा रहा है कि हो सकता है कि नाम बदल दिया जाए, क्या लगता है आपको इस पर भी कोई जिक्र होगा? आज जो लेखानुदान पेश होने वाला है उसमें जिस तरह से हमारे वरिष्ठ साथी निर्मल जी ने बताया कि 4 विंग है उनको फोकस किया जाएगा, लेकिन उसका मैं अगर बात करें उसमें से एक महत्वपूर्ण गरीब तबके को राहत देने की बात जो है उसमें बात करें तो हेल्थ सेक्टर सबसे महत्वपूर्ण है। और हेल्थ सेक्टर में अगर आज की तारीख में बात करें कोई सबसे बड़ी चर्चा तो है तो वो ये है कि पुरानी सरकार की जो योजना चिरंजीवी योजना है, RDHS योजना है, निशुल्क दवा इन जाँच योजना के अलावा निःशुल्क निरोगी योजना जिसमें कि सभी व्यक्तियों को चाहे वो किसी कैटेगरी में हो, राजस्थान का निवासी होना चाहिए उसको निःशुल्क इलाज मिलेगा चाहे वो किसी कैटेगरी में हो, तो एक महत्वपूर्ण योजना थी। उस योजना का दायरा किस तरह से बदला जाएगा क्योंकि अभी इस वक्त अगर केंद्र की बात करें जो पिछली सरकार थी तो एक कॉन्फ्लिक्ट था इस बात को लेकर कि आयुष्मान योजना का पैसा लेते हैं और उसको चिरंजीवी योजना के नाम से उसको प्रचारित किया जा रहा है, तो ये काफ़ी विवाद भी हुआ था पिछली बार। अब उसको जो चिरंजीवी योजना का जो दायरा इस वक्त देखिए मैं पुनः बता दूं आपको, अधिकांश प्राइवेट हॉस्पिटल जो निजी अस्पताल है वो और साथ में जो RDHS से जुड़े हुए अस्पताल है उनमें एक असंतोष की भावना है क्योंकि और साथ में असमंजस की स्थिति है, वो इसलिए क्योंकि उनको पता नहीं है कि जो योजनाएँ थी और जो सरकार ने जिसको अपनी पहली प्राथमिकता माना था उन योजनाओं का आगे अब रूप किस तरह से होगा। लेकिन मुझे लगता है कि आज जो लेखानुदान पेश किया जाएगा उसमें काफ़ी हद तक एक रोड मैप बता दिया जाएगा कि राजस्थान की सरकार जो नई सरकार है भजनलाल सरकार जिन्होंने फोकस किया है जो 4 सेक्टरों पे उन पे उनका रोड मैप क्या रहेगा। उसमें सबसे महत्वपूर्ण रहेगा कि आयुष्मान भारत योजना जो केंद्र की योजना है पूरे देश भर में लागू है उस योजना का राजस्थान में किस तरह से किया जाएगा और उसको करते वक्त चिरंजीवी योजना के लाभार्थी हैं उनको बेनिफिट मिलता रहे और चिरंजीवी योजना का दायरा जो वो भी कम नहीं हो इस पर फोकस करते हुए कुछ रास्ता निकाला जा सकता है। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात है NPS और OPS वाली बात, हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी ने जिस तरह से बताया कि एक महत्वपूर्ण बात है उसके लिए आंध्र प्रदेश का जो मॉडल है उसका अध्ययन किया जा रहा है और इसमें देखिए दोनों चीजें होती है पूनम, एक तरफ जहां पे हमको राहत की बात भी करनी पड़ती है वहीं दूसरी ओर ये भी देखना होगा कि राहत देते वक्त राजकीय कोष जो है वो भी उसका भी संतुलन बना रहे, अगर दोनों के बीच में समन्वय नहीं बनता है तो स्थितियां विकट भी हो सकती है और कई बार वित्तीय संकट जो है वो भी गहरा जाता है, तो इसलिए सिर्फ वो बढ़िया बन के रह जाती बिल्कुल है। तो उनको दोनों को समान तरीके से देखा जाना चाहिए कि हम राहत भी दे रहे हैं तो साथ में हमारी आय जो है वो भी उसी तरह से होनी चाहिए। तो इस लिहाज से बात करें आंध्रा मॉडल जिसकी बात कर रहे हैं उसके अंदर एक पैटर्न दिया गया हाइब्रिड मॉडल जिसमें कि मौजूदा NPS के जो
कर्मचारी थे जिनको ओपीएस में शामिल कर लिया गया था, उनका अंशदान बढ़ाया जा सकता है। उसको अंशदान बढ़ा करके फिर उनको एक अभी जो अगर सेवानिवृत्त होता है तो उसको 50% के आसपास पेंशन का प्रावधान होता है, तो उसका प्रावधान 30-35% करके और जो कर्मचारी है उसका अंशदान बढ़ाया जाता है। इस तरह की योजना है, उनको इस पूरी लेखा अनुदान के अंदर बताया जा सकता है कि इस तरह का रोड मैप सरकार का रहेगा ताकि लोगों के अंदर जो भ्रांतियां हैं, लोगों के अंदर जो मैसेज है वो दिया जा सके कि पहला बजट है, पहला लेखानुदान है, सरकार की हर शब्द हर घोषणा पर जनता का इंतजार रहेगा। तो ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि जो केंद्र की योजना है, केंद्र की जो सोच है, उसको इस बजट के अंदर, इस लेखानुदान के अंदर शामिल किया जाएगा। जी बिल्कुल विकास जी, वैसे आपने बहुत कुछ विस्तार से बता दिया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु ऐसे हैं जो कि जनता जानना चाहती है। फर्स्ट न्यूज़ पर महाकवरेज लगातार जारी है और ऐसे में निर्मल कोठारी जी भी एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। और विनोद जी से मैं अभी सवाल लेना चाह रही हूँ विनोद जी, क्योंकि जब फोटो सेशन हुआ था कल, बहुत कुछ खास था वो, क्योंकि तभी बॉडी लैंग्वेज पता चल जाती है, चेहरे पर मुस्कुराहट पता चल जाती है, लेकिन आपसे इस अंतरिम बजट लेखा अनुदान का प्रोसेस मैं समझना चाहूंगी, कितना बड़ा होता है ये, क्योंकि मिनी बजट जब अंतरिम बजट केंद्र सरकार में पेश किया गया था, हम उनसे मिनी बजट कह रहे थे, कितने घंटे दिया कुमारी या कितने मिनट्स वो इसे पेश करेंगी, क्या कुछ खास रहेगा, क्या तरीका होता है, क्या वो अकेली होंगी या पूरी टीम होगी, क्या कुछ रहता है इसमें प्रोसेस? देखिए अंतरिम बजट तो पूरी टीम ने तैयार किया है, लेकिन वो अकेली ही पेश करेंगी और बताया जा रहा है कि 15-20 पेज हैं, तो माना जा सकता है कि एक घंटे का फोकस रहेगा, एक घंटे वो अंतरिम बजट पेश करेंगी, तमाम चीज़ों को लेंगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि जिस तरीके से निर्मल जी ने बताया कि चार जातियाँ, देखिए केंद्र भी किसान पर फोकस करता है और स्टेट ने भी किसान पर फोकस रखने की इस बार ठानी है। और बड़ी बात यह है कि देखिए जिस तरीके से संकल्प पत्र में किसान को पहले पायदान पर रखा गया था और किसान की सारी बातें बताई गई थी, तो यहाँ दो बड़ी घोषणाएं तो कर चुके हैं कि देखिए समर्थन मूल्य पर, गेहूं के समर्थन मूल्य पर 125 रुपये प्रति क्विंटल बोनस, ये किसानों के लिए बड़ा तोहफा है। दूसरी बड़ी बात पीएम किसान निधि, यानी प्रति किसान को 2,000 रुपये अतिरिक्त, ये किसानों के लिए बड़ी बात है। और इससे बड़ी बात यह है, देखिए कहीं ना कहीं अंतरिम बजट में ईआरसीपी को भी बताया जाएगा, रोड मैप दिखाया जाएगा कि किस तरीके से, बड़ी बात यह भी है कि 13 जिलों की जगह 21 जिले शामिल कर लिए गए हैं। ईआरसीपी सबसे बड़ा तोहफा है 40 लाख किसानों के लिए कि 2.8 लाख हेक्टेयर नए सिंचित क्षेत्र होंगे, राजस्थान के लिए सबसे बड़ी बात है। और भजनलाल सरकार के लिए सबसे बड़ी जीत यह है कि 2 महीने के भीतर देखिए आपकी एमओयू हो गया, केंद्र के सहयोग से सारी योजना हो गई, तो एक घंटे के अंतरिम बजट में तमाम चीज़ों को शामिल किया जाएगा। लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी बड़ी चीज़ें सामने रखी जा सकती है, लोकसभा चुनाव सामने हैं तो अंतरिम बजट में कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव की छाप भी साफ तौर पर दिखाई देगी। और देखिए 20 साल बाद, अब तक जो वित्त विभाग था वो मुख्यमंत्री के पास था, 20 साल बाद वित्त मंत्री खुद अंतरिम बजट पेश कर रही है, भजनलाल सरकार का पहला अंतरिम बजट है, तो बहुत सारी चीज़ें समाहित रहेंगी। जी और पूर्णकालिक जो वित्त मंत्री है वो भी मिला है 20 साल के बाद, इसलिए मेरा सवाल आपसे यही था कि पूरी टीम क्या साथ में रहेंगी उस वक्त जब खुद वित्त मंत्री, जो कि उप मुख्यमंत्री भी हैं दिया कुमारी और एक महिला भी है, तो ऐसे में वो बजट पेश करने जा रही हैं, अपने आप में बेहद खास भी है। लेकिन विमल कोठारी जी, भजन लाल सरकार का पहला बजट है और पहला ही अंतरिम बजट जो कि अपने आप में बेहद खास, वो भी ठीक लोकसभा चुनावों से पहले। अभी मैं निर्मल जी से बातचीत कर रही थी तो मेरा सवाल उनसे भी यही था कि क्या इसको लोकसभा चुनावों के मद्देनजर देखा जाए, यानी कि वही मिशन बोर्ड जो कि केंद्र सरकार का है, बीजेपी का है और ऊपर से डबल इंजन की सरकार भी। बिल्कुल सही कहा पूनम जी आपने, इस बजट को भी लोकसभा चुनावों के साथ में जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन मैं इससे पिछले बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा, जब पिछले 4 साल से जो अशोक गहलोत जी ने वित्त मंत्री के रूप में अपने बजट पेश किए थे, और उस समय जब भी बजट पेश हुआ था हर आम आदमी की एक ही भावना थी कि पेट्रोल और डीजल की जो रेट्स, वेट्स की जो रेट्स राजस्थान में सबसे ज़्यादा है देश में जी, उन रेट्स में कमी की कोई घोषणा हो। अभी अंतरिम बजट पेश होना है, 11 बजे दिया कुमारी जी अंतरिम बजट पेश भी कर देंगी, और जो उम्मीदें सबसे ज़्यादा लगाई जा रही है वो यही लगाई जा रही है, जैसे कल फर्स्ट इंडिया ने भी संकेत दिए थे कि पेट्रोल की कीमतों के अंदर 6 रुपये से 8 रुपये लीटर के आसपास की कमी की घोषणा हो सकती है वेट दरों में कमी होने के आधार पर, और इसी तरह डीजल की जो रेट्स हैं उन रेट्स में भी 4 से 5 रुपये लीटर की कमी हो सकती है। इन दोनों का फ़ायदा ये होगा कि जो राजस्थान के अंदर पेट्रोलियम पदार्थों की जो बिक्री है उसमें जो गिरावट आई है वो गिरावट वापस सुधर जाएगी, यदि हम पड़ोसी राज्यों के समकक्ष अपने राज्य में भी वेट की दरें इम्प्लीमेंट करें तो। और जहाँ तक इस बजट की बात है, इस बजट को लेकर के
ये अंतरिम बजट है, हो सकता है इस बार कोई घोषणा नहीं होगा और जुलाई में जो पूरा बजट पेश होने वाला है उस पूरे बजट को लेकर के ये जो घोषणाएं होनी है, जो उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों के लिए इंतजार करना पड़े। पूनम जी, आपने सही कहा था कि जो लोकसभा चुनाव हैं उन चुनावों को देख करके हर आदमी के मन में ये एक उम्मीद है कि इस बार हो सकता है लोक लुभावन कोई घोषणाएं हो जाए। एक जीएसटी का मुद्दा है, जीएसटी के अलावा जो वेट का मुद्दा है जिसमें वेट एमनेस्टी स्कीम है जो 31 दिसंबर को समाप्त हो चुकी है, इस स्कीम को भी हो सकता है इस अंतरिम बजट के अंदर ऐसे संकेत दे दें। नई स्कीम तो नहीं आएगी हालांकि, लेकिन जो स्कीम की जो डेट है उस डेट को 31 मार्च तक भी बढ़ाया जा सकता है। ये भी व्यापारियों के लिए जिनकी करोड़ों रुपये की वेट के मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं उनके लिए एक बड़ी राहत की बात होगी। इसी तरह से ये माना जा रहा है कि जो पेट्रोल डीजल वाली जो बात है जिसमें मैं दोबारा आना चाहूँगा और उसमें जो मेरा भी सवाल यही था क्योंकि ये गारंटी भी पूरी करने की बात कर रहे थे मोदी, प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ पर पहुंचे थे और जब बीजेपी की सरकार आ गई तो अब जनता जो है टकटकी लगाकर देख रही है कि कब ये गारंटी पूरी होगी। देखिए, हर बजट के अंदर जनता की जो उम्मीद होती है वो यही होती है कि उस बजट से उसे पर्टिकुलर क्या मिला। अब ये एक अलग आंकड़ेबाजी है कि इस बजट से किसको क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, कितना विकास होता है, उस विकास की राह पर कितने आगे बढ़ पाते हैं। कई बार ये भी होता है बजट में बहुत सारी घोषणाएं हो जाती है लेकिन उन घोषणाओं को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा पाता और वो केवल घोषणा ही रह जाती है। अपने करियर में मैंने कई बार इन चीज़ों को विश्लेषण किया कि सरकार बजट में घोषणाएं कर जाती है लेकिन वो घोषणाएं पूरी नहीं हो पाती, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। ये भी हो सकता है कि जो नीतियां बनाई जाए या जिन नीतियों को इम्प्लीमेंट करने की बात की जाए वो नीतियां इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाती। और जहाँ तक इसकी स्टैटिस्टिक्स की बात करें, जो राजस्थान के अंदर वेट की दरों के कारण से जो सबसे ज़्यादा सेल इफेक्टिव हुई है वो इफेक्टिव एक तो उदयपुर में है और उदयपुर के अलावा जैसे हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और सिरोही ज़िला है जहाँ बताया जा रहा है कि सिरोही में 85% तक डीजल की बिक्री में गिरावट आई है क्योंकि सिरोही से सटा हुआ गुजरात है जहाँ पर वेट की दर काफ़ी कम है। जो किसान हैं या जो भी लोग हैं जो अप्रोच कर सकते हैं, ऐड ऑन करना चाह रहे हैं निर्मल जी। देखिए, पेट्रोल डीजल की को लेकर अगर हम बात करें और हम उसको अगर लेखानुदान से जोड़ें तो ऐसा उम्मीद करना बेमानी है कि लेखानुदान में पेट्रोल डीजल की में रेट्स को लेकर के कोई घोषणा होती है क्योंकि इस तरह की परंपरा नहीं रही है। लेकिन चूंकि बहुत अहम मुद्दा है जैसा विमल जी ने भी उठाया कि प्रदेश की जनता बहुत समय से इस बात में को लेकर के अपेक्षित है, आशान्वित है कि पेट्रोल डीजल की रेट में कम होगी। देखिए, उसके लिए कमेटी बना दी थी भजनलाल शर्मा जो मुख्यमंत्री, उन्होंने आते उसमें राव राजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी जिसमें अरुण चतुर्वेदी, सीआर चौधरी, श्याम एस अग्रवाल, प्रभुलाल सैनी जो पूर्व मंत्री हैं और लाखोटिया जी जो सीए हैं, इनको इसमें शामिल किया गया था। इन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। देखिए, मैं विमल जी की बात को आगे बढ़ाता हूं। क्या है पूनम, प्रदेश के अंदर करीब 80% तक, मतलब जैसा सिरोही की आप बात करते हैं, अगर हम टोटल ओवरऑल बात करें तो 50 से लेकर 80% तक पेट्रोल डीजल की बिक्री में कमी इसलिए आई कि पड़ोसी राज्यों की अपेक्षा हम वैट सबसे ज़्यादा लेते हैं और हमारे पास 31.06% पेट्रोल के ऊपर वैट हमने लगाया हुआ है, 19% से ज़्यादा वैट हमने डीजल के ऊपर लगाया हुआ है। और देखिए, अगर पड़ोसी राज्यों की बात करते हैं हम, खासकर गुजरात की बात करें, इधर हम मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश, दिल्ली या पंजाब और हरियाणा की बात करें तो 10 से लेकर 14 रुपये तक का वेरिएशन है हमारी रेट। सर, बीजेपी शासित राज्यों ने पहले ही से कम कर दिया, निश्चित तौर पर कम कर दिया था। और पेट्रोल डीजल के देखिए, ज्यादा बड़ा इंपैक्ट अगर आपको लेना है तो उसके लिए केंद्र को सोचना होगा क्योंकि केंद्र सरकार अगर अपने केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अंदर यानी एक्साइज ड्यूटी उस पर कम करे तो ज्यादा इफेक्टिव होगी बनिस्पत की स्टेट के, क्योंकि स्टेट के पास तो एक लिमिटेड सोर्सेज हैं फाइनेंशियल सोर्सेज की बात करें। और जिस तरह से मैंने आपको कहा कि अगर इस पर वैट कम किया जाए, और क्वेश्चन इस बात को लेकर भी था कि एक ही राज्य में अलग अलग जिलों में अलग अलग वैट, लगातार लंबे समय तक बात यही हो रही कि टैक्सेस की यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए खासकर पेट्रोल डीजल के अंदर और उसको जीएसटी के दायरे में लाने की बात थी, लेकिन जीएसटी के दायरा मतलब 28% उसका सबसे बड़ा स्लैब है और जबकि अगर हम एक्साइज ड्यूटी की बात करते हैं सेंट्रल एक्साइज, वो तो 100% से ज़्यादा इसके ऊपर ली जा रही है। लेकिन सवाल ये है, अगर राज्य सरकार वैट कम करती है तो निश्चित तौर पर फायदा उसका ये होगा, डीलर्स का कमीशन भी बढ़ेगा और जो बिक्री घटी है, क्योंकि अगर हम यूँ माने कि अगर 80% तक हमारी बिक्री घटी और अगर रेट हम कम करते हैं और वो वापस से अगर राजस्थान में पेट्रोल डीजल ट्रांसपोर्टर लेना शुरू कर देता है तो राजस्व की कोई बहुत बड़ी हानि नहीं होने जा रही उसके अंदर, वो लगभग ब्रेक इवन की स्थिति में ही रहेगा। तो निश्चित तौर पर वैट कम किया जाकर उसको जनता को राहत भी दी जा सकती है और अपना जो सरकार का जो जनता की इससे बड़ी राहत क्या होगी कि वो बॉर्डर पार जाके अपना पेट्रोल डीजल फुल करवा के ना आए। और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि लेखानुदान में इस तरह की पेट्रोल डीजल को लेकर के कोई वैट कम किया जाएगा, लेकिन बजट से बाद जरूर इस पर सरकार कोई बड़ी घोषणा कर सकती है। निर्मल जी की इस बात से तो सहमत होगी, इसमें हो सकता है लेखानुदान में इस तरह की घोषणा नहीं हो, बजट के बाद में हो, लेकिन जो
हम उम्मीदों पे चर्चा करें, उम्मीदें तो लगाई जा सकती, उम्मीदों को कुछ रोक नहीं सकता। हर आदमी ये सोचता है कि उसको कुछ ना कुछ राहत मिलेगी और इससे बड़ी राहत शायद अभी हो सकता है। सर, इस बात का जिक्र भी किया जाए कि हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे, क्योंकि ये भूलना नहीं होगा कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी है। पंकज जी, क्योंकि लेखानुदान का जब भी जिक्र होता है तब जहन में सरकारी कर्मचारी हमेशा याद आते हैं, तब ऐसे में उनके अगर हम वेतन की बात करें, और ऐसे में जब युवाओं की जाति की हम बात करते हैं, तो फिर बेरोजगारों को नहीं भूलना चाहिए। क्या उनके लिए भी सरकारी नौकरियों को लेकर कुछ कहा जा सकता है? देखिए, जो अभी पूर्व हमारे साथी बोल रहे थे, ये बात बिल्कुल सही है कि कोई बहुत बड़ी घोषणा लेखानुदान में नहीं की जा सकती है, लेकिन एक रोड मैप जो है आने वाले समय का, उस लेखानुदान के माध्यम से सरकार सामने रख सकेगी। बात जैसे यूथ की गई, तो ये निश्चित रूप से मानिए कि आने वाले 5 साल में भजनलाल सरकार कितने युवाओं के लिए रोजगार का सृजन करेगी या किस तरीके की योजना लाएगी, उसका एक रोड मैप लेखानुदान के माध्यम से आप सामने, जनता के सामने सरकार रखेगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो केंद्र की योजना यूथ, किसान और महिलाओं के लिए चलाई जा रही है, उन योजनाओं को स्टेट अपने, जो अब कहते हैं डबल इंजन की सरकार जो कहा जा रहा है, उन योजनाओं को लेकर स्टेट गवर्नमेंट भी अपना रोड मैप देगी, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो, चाहे स्टार्टअप योजना हो, जो यूथ के लिए केंद्र सरकार की योजना है, किसानों की, चाहे पेंशन का मामला हो, चाहे किसी तरीके की वृद्धावस्था पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, ये सब ऑलरेडी केंद्र में चालू है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर पिछली सरकारों में ऐसा माना जा रहा है कि ये जो राजनीति आड़े आई, उसके चक्कर में जनता को केंद्र की योजनाओं का उतना लाभ नहीं मिल पाया जितना कि मिलना चाहिए था। अब जो जो लेखानुदान या जो भी घोषणाएं भजनलाल सरकार करेगी, उसमें आप देखेंगे कि जो डबल इंजन की सरकार है, वो थ्योरी आपको नजर आएगी। केंद्र की योजनाओं को राजस्थान में कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, कैसे यहाँ लागू किया जाए, ये मोटे रूप से इस लेखानुदान में आपको रोड मैप देखने को मिलेगा। उसके जो उसके पीछे जो थ्योरी है स्टेट गवर्नमेंट की, पहला मैंने आपको बता ही दिया कि कर्ज बढ़ रहा है, तो ऐसे में केंद्र पे अगर आधारित कोई योजना आम जनता की राहत की है, तो उसको बड़ा चढ़ा के भजनलाल सरकार लेखानुदान में आप पेश करेगी। बिल्कुल, निर्मल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक खास बात यह है इस बजट को लेकर, मैं बता दूं जो लेखानुदान आज पेश होगा उसको लेकर के, पहली बात तो करीब 90 से 95 हज़ार करोड़ रुपए का इसमें जो खर्च का अनुमान है अगले 3 महीने के अंदर, जो पहली तिमाही रहेगी वित्त वर्ष 2024-25 की, उसको उसमें अनुमोदित करा लिया जाएगा। लेकिन देखिए, मैं बताऊं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक काम बहुत अच्छा किया। जैसे उन्होंने सूबे में मुख्यमंत्री का पद संभाला, सूबे के मुख्यमंत्री का, उन्होंने जो 5 दिसंबर को बैठक ली थी, जिसकी मैं 100 दिवसीय कार्य योजना की बात करता हूं, उसी दौर में उन्होंने अफसरान से साफ तौर पर कह दिया था, उच्चाधिकारियों से, कि हर एक विभागाध्यक्ष से पूछा जाए कि उसके डिपार्टमेंट में कितने पद रिक्त हैं, एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट कितनी आ रही है, एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट को किस तरह से कम किया जाए, और रिक्त पदों पर भर्ती कैसे की जा सकती है। तो निश्चित तौर पर रोड मैप तो देखिए आज देखना दिखाया जाएगा इस लेखानुदान के अंदर। 2 लाख नौकरी देने का संकल्प भजनलाल शर्मा और उनकी सरकार ने किया है, तो निश्चित तौर पर इस लेखानुदान में कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र जरूर होगा कि भविष्य में किस विभाग में किस तरह के स्तर पर भर्ती की जाएंगी। लेकिन एक खास बात यह है कि युवाओं को अपने स्थानीय से जोड़ने, उनका जो टैलेंट है वो अपना, वो पलायन ना करें, एस्केप ना करें अपनी जगह से, पलायनवादी प्रवृत्ति को छोड़ें, अपने गांव ग्वाड़े से जुड़ें, अपनी लोकल वहां की क्रॉप किस तरह की होती है उससे जुड़ें, खेती से जुड़ें, अपने वहां के विद्यालय से जुड़ें, अपने वहां की शिक्षा से जुड़ें, अपने वहां के हस्तशिल्प या हथकरघा से जुड़ें, तो स्थानीय लोगों को रोजगार युवाओं को वहीं पर दिया जाए, उनके गांव में, उनके शहर में, उसके भी प्रबंध इसमें देखने को मिलेंगे। और जो सबसे खास बात यह है कि जो 500 करोड़ या उससे बड़ी कंपनियां, सीएसआर कंपनियां, ऐसी कंपनियां राजस्थान में करीब 550 हैं, उन कंपनियों को अब यह कहा जाएगा कि आप स्थानीय युवाओं को, आपके पास जो भी रोजगार, जैसे वो अपना रोड मैप बताते हैं निवेश के समय कि हम 10,000 युवाओं 10,000 नए रोजगार सृजन करेंगे वहां, तो उसमें उनको कहा जाएगा कि इसमें से 1,500 या 2,000 आप स्थानीय युवा को रोजगार देंगे। तो निश्चित तौर पर रोजगार के, वही बात आती है जो घोषणाएं जो कही जाती है, जो बड़ी बड़ी बातें कही जाती है, वो जब धरातल पर आती है तभी कहा जाएगा कि हाँ जो कहा गया वो पूरा होता नजर आ रहा है। और विकास जी से भी इसी सवाल पर मैं जवाब लेना चाहूंगी, लेकिन